टू माई चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी, और मैं आज टू टाइप्स की कॉफ़ी बनाऊँगी, एक मिल्क वाली कॉफ़ी और एक ब्लैक कॉफ़ी। तो वो और जो मैं मिल्क वाली कॉफ़ी बनाऊँगी बहुत फेन वाली, मतलब बबल्स वाली बनाऊँगी। चलिए सबसे पहले हम कॉफ़ी बनाना, मिल्क वाली कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले एक बाउल, मैंने बाउल ले लिया, और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून कॉफ़ी। ठीक, चलिए मैं निकाल के तो बताती हूँ। 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और 1 टेबल स्पून, ये 2-3 टेबल स्पून शुगर डालूँगी। ओके, तो मैंने कॉफ़ी और शुगर डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म किया है, देखिए गर्म वार्म वाटर है, मैं ज़रा सा ही बस डालूँगी, बहुत थोड़ा सा इसमें डालता है बस। उसके बाद हम उसको खूब अच्छे देर तक इसको मिलाते रहेंगे। थोड़ा सा आपको मिला कर दिखाती हूँ, अब मिलाते रहेंगे तो धीरे धीरे ये कोई वाइट क्रीमिश कलर में होता जाएगा। आपको भी दिखाती हूँ, इसका कलर आप देख रहे हैं, देखिए ब्राउन में क्रीम कलर में वो हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको और मिलाऊंगी, तो फिर इकट्ठा करके मिलाना है वो, और ये और जितना आप उसको मिलाते जाएंगे ना तो उतना क्रीम कलर में होता जाएगा। तब फेंकते रहना है जब तक कि मतलब पूरे सॉलिड बहुत ज़्यादा फेंक देना हो जाए हम लोग। तो थोड़ा सा इसको फेंक के भी दिखाती हूँ। और अगर आप इस पर कॉफ़ी डाल रहे हैं, अगर आप 1 कप सिर्फ कॉफ़ी बना रहे हैं, तो आप हाफ़ या हाफ से भी कम टेबल स्पून, 1/4 स्पून डालिएगा कॉफ़ी। और मैं यहाँ पे 5 कप बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और शुगर आप अपने उससे ले लीजिएगा, अपनी क्वान्टिटी से आपको जितना बनाना है। ये देखिए जितना बन के ये हो गया है, मैं अभी थोड़ा सा और इसको फेंक दूँ। तो ये देखिए आपका, ये मेरा कैफे पूरा, ये देख रहे हैं वैसे मतलब एकदम सॉलिड वैसे में हो गया पूरा। मैं इसको ना यहाँ पे मैंने 5 कप अपने मिल्क ले लिया, जितना मुझे कप बनाना था, ये मैंने इसे खोला दिया है। अब मैं डालूँगी उसमें कॉफ़ी, मैंने गैस भी ऑन कर दिया, ये पहले से खोला के फिर मैंने इसे थोड़ा बंद कर दिया था। बस ये एक बार बॉइल्ड हो जाए तो फिर मैं इसमें कॉफ़ी डाल दूँगी। ये ब्राउन सा फेटते फेटते से ऐसे क्रीम कर दीजिएगा, तो इसलिए आपका बहुत ज़्यादा फेन वाला बनेगा, बबल्स वाला। ये देखिए ये पूरा मतलब उबल रहा है। अब मैं इसमें कॉफ़ी ऐड करूँगी, ओके इसको मैं धीमा कर दूँ। पहले मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी इसमें, एक 1 टेबल स्पून ही ऐड करने के बाद आपको इसमें फेन दिखेगा। ये देखिए सारा ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने वही गरम दूध को थोड़ा सा इसमें बाउल में ले लिया है, कि ताकि मैं जो 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 भी इस बाउल में लगा हुआ मुझे वैसे मिला के सारा इसमें डाल दूँगी अच्छे से। ये देखिए आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ये पूरा फोम वाला है, मतलब फेन हो गया है इसमें, इसमें पूरा नहीं हुआ थोड़ा सा ये थोड़ा लाइट कलर आया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये थोड़े से मैं इसमें बाउल में मिल्क ले कर इसमें थोड़ा सा बस कॉफ़ी ऐड कर लूँगी इसी में। मैं इसको धीमे आँच पे रख देते हैं, फिर हम इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड कर देते हैं, धीमे आँच कर रहा हूँ। हमारा हो गया है, अपन इसको डाल देते हैं करके पूरा मतलब ये देखिए पूरा उबल के वैसे आ रहा है पूरा फेन में। उप्स, नीचे जा नीचे जा नीचे जा नीचे जा
ब्लैक कॉफ़ी अभी बनाएंगे तो बताएंगे दिखाएंगे। अब बस हम इसको टेस्ट कर लेंगे शुगर कम, इसमें मैं थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी शुगर। मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ शुगर इसमें, थोड़ा सा और ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर दूँगी, बस को एक बार खुला के फिर सर्व कर देंगे। बस एक बार इसका आ जाए फिर हम उसको कर देंगे। इसमें आ गया है देखिए, पूरा फेन लग रहा है। चलिए इसको सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, टेस्टी लग रहा है बहुत। तो ये देखिए हमारा कॉफ़ी सर्व हो गया है पूरा। देखिए फोन क्रीमी वाला फेन बबल्स भी अच्छे से आए। सो प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा आप। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने ब्लैक कॉफ़ी पे। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप वाटर। अब मैं इसको सस्पैन में डाल के पैन में बॉईल करूँगी। ओके, तो मैं ये सस्पैन में ये 1 कप डाल दिया। पहले ये बॉईल हो जाए, तो मैं बॉईल हो जाए फिर मैं बताती हूँ। ये बहुत ईजी है ब्लैक कॉफ़ी बनाना। तो ये देखिए बॉयल हो रहा है, इसके लिए मैं 1 टेबल स्पून कॉफ़ी लूँगी। 1 टेबल स्पून भी नहीं, जो निब है ना उससे बस थोड़ा सा, बस हम इतना सा लेंगे। इसको हम इसमें डाल देंगे, फिर हम थोड़ा सा शुगर लेंगे। ज़्यादा नहीं मीठा करना है, तो मैंने शुगर भी डाल दिया। उसको थोड़ा सा मैच कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा और डाल दें अपने, मतलब मैंने 1 कप लिया है तो मैं 1/2 टेबल स्पून डाल दिए। तो ये मिल्क हो जाए जल्दी से, हो हाफ लग गया। तो ये हमारा हो रहा है, बस इसे टेस्ट कर लेंगे बस कि मतलब मतलब कॉफ़ी ज़्यादा होगा तो तीता लगेगा, और शक्कर मतलब शक्कर ज़्यादा होगा तो बहुत मीठा लगेगा। इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट है, बस थोड़ा सा शुगर कम है। शुगर प्रेफर करते थे, थोड़ा ही शुगर डालिएगा। ये मैं डाल दूँगी, बस शुगर मेल्ट हो चुके मेरे, ब्लैक कॉफ़ी भी बन के रेडी हो जाएगा। हो गया, नाउ इट्स टाइम टू सर्व। मैंने 1 कप लिया था, तो ये देखिए बराबर 1 कप ही हुआ है। ओके, so please do like, share and comment to my video, and thanks for watching. Bye bye friends.